फरवरी से 10 फरवरी तक सड़क सुरक्षा वीक मनाया जाएगा। जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा, ये जो हमें कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से मिला है, पूरे कंट्री में मनाया जाएगा। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी ये स्विच ऑफ द मोबाइल जो वीक मनाया जाए, रोड सेफ्टी वीक मनाया जाएगा। इसमें डिफरेंट एक्टिविटी होंगी और डे वन डे टू बीइंग पार्ट ऑफ द कंट्री, ये रोड सेफ्टी एक्टिविटीज पूरे वन वीक होंगी। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज करने की दी गई है और डिपार्टमेंट के साथ साथ OEM डीलर्स, पेट्रोल पंप डीलर्स, NGOs, ऑथोराइज्ड वर्कशॉप्स, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। हर एक को एक डिफरेंट रोल दिया गया है। मैं आपकी नॉलेज के लिए डे वन में क्या क्या होना है, डे टू में क्या क्या होना है, डे थ्री में क्या, इस तरह ऑल दी फुल वीक सेवन डेज में क्या क्या एक्टिविटी किस किस को सौंपी गई है, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से कर पाए। मैं पढ़ूंगा डे वन, पहले दिन इनॉगुरेशन ऑफ रोड सेफ्टी वीक स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी बाय एनी डिग्नेटरी लाइक चीफ मिनिस्टर। हमारी स्टेट में जैसे गवर्नर साहब हैं, मिनिस्टर कंसर्न ट्रांसपोर्ट के हैं, या सेक्रेटरीज हैं, या हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन सब से रिक्वेस्ट की जाएगी इनॉगुरेशन के लिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और बाकी जो भी सीनियर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे वो इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, पीडब्ल्यूडी के, हेल्थ के, एजुकेशन के, रूरल डेवलपमेंट के और ऑयल कंपनीज, एनजीओज, ओईएम्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स, ट्रक, बस, टैक्सी, एयर एसोसिएशन, ड्राइविंग स्कूल्स एंड द मैसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज और चीफ मिनिस्टर हैज टू बी रेड एंड लॉन्च दिस ड्राइव। ड्राइव करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट एंड पुलिस डिपार्टमेंट को, जिसमें डे वन में रहेगी जिम्मेवारी सीट बेल्ट एंड हेलमेट कंपेन। तो प्लीज नोट इट, सीट बेल्ट एंड हेलमेट कंपेन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पीडब्ल्यूडी, लोकल बॉडीज एंड ऑल अदर रोड ओनिंग एजेंसीज, इनका रोल ये रहेगा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेजिटेशन फ्रॉम रो, फुटपाथ एंड शोल्डर एक्सेट्रा। नंबर टू, ट्रैफिक कमिंग एट मेजर इंटरसेक्शन ऑन द हाईवे। नंबर थ्री, डिस्प्ले ऑफ स्पीड लिमिट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड टेम्पररी स्पीड लिमिट्स लाइक स्कूल मीडियन एक्सेट्रा। नंबर फोर, इरेक्टिंग ऑफ रोड साइनेजेस एंड मार्किंग। नंबर फाइव, जॉइंट विजिट एंड ऑडिट ऑफ मेजर ब्लैक स्पॉट एंड इंश्योरिंग शॉर्ट टर्म मेजर्स। नंबर सिक्स, डिस्प्ले ऑफ लेन ट्रैफिक सेग्रीगेटिंग लेन वाइज एज पर MB ड्राइविंग रूल्स। नंबर सेवन, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्ट होल्स, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट इंक्लूडिंग विच रोड और सेक्शन इज बीइंग रिपेयर्ड। ये रोल रहेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, पीडब्ल्यूडी का, लोकल बॉडीज का एंड अदर रोड ओनिंग एजेंसीज। व्हीकल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंट ड्राइव ये करेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा, OEM डीलर्स, पेट्रोल पंप डीलर्स, NGOs, ऑथोराइज्ड वर्कशॉप्स, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन एंड मोटर ड्राइविंग स्कूल्स। इनको ये पांच रोल दिए गए हैं, PUC, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स अवेयरनेस, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं उसकी अवेयरनेस के बारे में, सेव फ्यूल, सेव एनर्जी टेक्निक एंड कीप एनवायरमेंट क्लीन। नंबर थ्री, कंपेन ऑन अवेयरनेस एंड चेकिंग ऑफ कंट्रोल एंड सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ व्हीकल्स बाय एजेंसीज। नंबर फोर, फिटनेस चेक ऑफ ऑल द व्हीकल्स टू एंश्योर सेफ्टी डिवाइसेस एंड
proper working of control devices, speed governors, GPS, etc. Number 5, ensuring reflective tapes on commercial vehicles and under safety protection devices. So ये वो 5 कैटेगरी में इन जो मैंने पहले नाम पढ़े उनका रहेगा. नेक्स्ट है एजुकेशन एंड अवेयरनेस ड्राइव. इसमें पुलिस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनजीओज, इंस्टीट्यूशंस, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, मोटर ड्राइविंग स्कूल्स का रोल रहेगा. ये इसमें 7-8-9 रोल दिए गए हैं. नंबर 1, एजुकेट एंड अवेयर टू द रोड यूजर्स इन डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स विद कंटेंट लाइक नॉलेज ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, रोड साइड रिपेयर्स, रोड लैंग्वेज लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक लाइट्स, अवेयरनेस ऑफ कंट्रोल एंड सेफ्टी डिवाइसेस, अवेयरनेस ऑफ रोड साइनेजेस. नंबर 2, मैंडेटरी साइंस डूज एंड डाउंस. नंबर 3, इंफॉर्मेटरी साइंस caution signs on the roads. Number 4, road marking and furniture. Number 5, duty of driver and road users and emergency numbers. Number 6, right of way. Number 7, good Samaritan guideline awareness, right of good Samaritan, duties of police and hospitals and procedure. Number 8, motor vehicle driving regulation 40 rules. Number 9, traffic offense and penalties. इसमें डिफरेंट हेड्स हैं. देन आई विल मूव टू लास्ट वन, एमरजेंसी पोस्ट क्रैश रिस्पांस ड्राइव. ये हेल्थ का डिपार्टमेंट का, मेडिकल डिपार्टमेंट का, रेड क्रॉस सोसाइटी का, पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड एनजीओ का रोल इसमें रहेगा. इसमें 4 हेड्स दिए गए हैं, डिस्प्ले एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड स्मार्टन, गुड लाइन, कम्युनिटी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, hospital and public places and police station. First respondent training, fatal accidents, then volunteers, villagers, highway, dawas and workers, unka role. Health and eye checking of commercial drivers and distribution of specs, good Samaritan. Number 4, knowledge of compensation procedure in all types of roads. This is the overall role of everyone which I have enumerated on the day 1, and rest of these 7 days bada briefly hai, main padunga. Day 2 mein transport and police department ko topic rahega over speeding and drunk driving. Day 3 mein overloading and overcrowding. Day 4 mein reflective tapes and under safety protection devices. Day 5 mein wrong side driving and lane driving on national highway, red light jumping. Day 6 mein driving licenses and fitness vehicles, and day 7 mein ensuring safety devices of all vehicles devices like rear view mirror, checking of all required documents, enforcement points like major intersections near school morning and afternoon. This is the role of 2 departments, transport and police department, in rest of the 6 days. Baki road engineering wale mein jo national highway and PWD ke unka day 2 mein same as day 1, day 3 mein same as day 1, day 4 में सेम एज डे 1. इनका सेम रोल सभी 7 दिन रहेगा, 6 दिन रहेगा, 7वें दिन इवैल्यूएशन रहेगी कि जो हमने किया, या अवार्ड एंड वैलिडिटी फंक्शन. इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंट ड्राइव में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ओएम, डीलर, पेट्रोल पंप डीलर, एनजीओ, ऑथराइज्ड वर्कशॉप, IC centers and automobile associations and motor driving schools ka day 2 mein rahega same as activity 1. Inka bhi 6 din tak same rahega. Last day ko ye wahi evaluation and award function karenge. Now I'll come to the last 2, education and awareness drive mein, jisme police, transport, education department, NGOs, institutions, automobile and motor driving schools ka role tha. इनका डे 2 में और डे 3, डे 4, डे 5
So you please read it. It is too long. I think it will be boring for everybody if I read it again. Ji Abid, kaise hai? How are you? Badhiya ekdam. Very good. Thank you, Abid, and my best wishes. God bless you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. ऐसा मालूम है कि पिछले दो दिन से लगातार मौसम खराब था और स्नोफॉल हो रहा था. इवन जवाहर टनल के ऊपर करीब 4 फुट से ज़्यादा बर्फ था. बनिहाल शहर में भी 2 फुट बर्फ रहे. कल एवलॉन्च भी आया और नॉर्थ पोर्टल जो है जवाहर टनल का वो बंद हो गया. इवन नासरी टनल से लेकर के नीचे तक करीब 6-7 इंच रहे. बटोत रोड पर भी बर्फ रहा. तो बर्फबारी के कारण ये ट्रैफिक को पहले से, चूँकि ऑलरेडी इसमें हमें एडवाइजरी थी, MIT की रिपोर्ट भी थी, तो लिहाजा हमने जितने भी लोड कैरियर और बाकी गाड़ियां थी उनको हमने सेफ जगहों पर ही रुकवाया. खास करके उधमपुर से पीछे की तरफ ये मानसर वाले साइड में हमने लोड कैरियर को करीब रुकवाया हुआ है, जितने जो कश्मीर बॉर्डर है और करीब ये 1200-1300 करीब हैं. इसी ढंग से हमने जो पैसेंजर व्हीकल है वो तो जम्मू शहर में ही हैं और कश्मीर की तरफ करीब 300-400 के आसपास ट्रक है जो लेपडोरा में सुरक्षित उनको रुकवाया गया है. लिहाजा आज मौसम इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी स्टिल हमारा मैन और मशीनरी बीकन के साथ HCC और बाकी कंपनियां जो इसमें लगी हुई है रोड मेंटेनेंस के लिए, वो अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्नो कटर्स का इस्तेमाल करके स्नो हटाने के काम में लगी हुई है. कई जगहों पर चूँकि बर्फबारी के कारण कई जगह जो खास करके जो रोड एक्सपेंशन के कारण जो काम चल रहा है वहाँ पर बर्फ के होने से कहीं कहीं पर स्लाइड्स भी आ रहे हैं, कहीं शूटिंग स्टोन्स भी आ रहा है. तो ये बड़ा एक चैलेंज है, बट हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ लगे गए. हमारे सारे मैन और पावर रोड पर है और दे आर इंश्योरिंग कि जल्दी से जल्दी ये रिस्टोर हो जाए ताकि गाड़ियों के आवागमन में सहूलियत हो जाए, उसको चलनी शुरू हो जाए. थैंक